नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने सोचा था बाद में पोस्ट करूंगा, बट नहीं, टाइम लगा तो निफ्टी का मैं कर चुका था। निफ्टी भी जो मेरे को लग रहा है बुलिश ही लग रहा है, और बैंक निफ्टी भी मैं आपको अच्छे से इसका गहन अध्ययन करेंगे। एक बार डेली चार्ट पहले देख लेते हैं, ठीक है? डेली चार्ट से शुरुआत करने से पहले एक बार ये महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं। कहाँ गया ये रहा, ये दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। आ जाइए, इसकी पहले टेक्निकल हम देख लेते हैं। ये कैंडल देखने में अपने आप में पता लग रहा है कि भैया अच्छी कैंडल नहीं है। दूसरा, पिछले दिन का इसने हाई तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, हमें वो चेक करना पड़ेगा। वो आएगा हाई इधर, तो हाई है 35,985 थर्सडे को जो लगा था, और इसमें हाई है 35,977, तो 8 पॉइंट से हाई नहीं तोड़ा, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव साइन, सीख लीजिए, नोट करेंगे आप। अगर अब तक देखते रहे होंगे तो पता लगता रहता होगा। इस कैंडल की ओपनिंग के भी नीचे क्लोज किया है, तो एक और नेगेटिव साइन है। तो इस कैंडल की आप ओपनिंग देखिए, ओपनिंग है इसकी 35,757, और इसकी क्लोजिंग कितनी है 35,751, इसके भी नीचे क्लोज किया है, तो वो एक और नेगेटिव साइन। बट एक पॉजिटिव साइन क्या है, इसने इसका लो नहीं तोड़ा, ठीक है? इसका लो कितना है, आज का फ्राइडे का लो कितना है 674, और लास्ट डे जो लो लगा था 625, तो लो नहीं तोड़ा है, ठीक है? इसने लो नहीं तोड़ा है, तो आप बैंक निफ्टी में, मैं इसको तो फिलहाल एक बार हटाता हूँ, ठीक है? अब आ जाते हैं हम एक बार इसकी वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, वो क्या कहानी कह रही है, ठीक है? ये है दोस्तों वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। तो बहुत मैं आप हैरानी होगी जान के, क्योंकि इतनी गहराई से कोई चार्ट नहीं पढ़ता है। वीकली बेसिस पे इट इज द सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग, आर यू अवेयर? ठीक है, वीकली बेसिस पे इट इज द सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक की बैंक निफ्टी की 35,750। ये देखिए, मैं जहां लाइन खींचूंगा उसके बाद से ही कहानी आपको पता लग जाएगी। 7 ये, ठीक है? यहां पे दिख रहा है 751, वहां पे इसकी क्लोजिंग है। पीछे की तरफ आ जाइए, इससे ऊपर सिर्फ यही एक क्लोजिंग आई थी, और इस कैंडल को आप देख लीजिए कैसी कैंडल है, कोई जान नहीं है इसमें, ठीक है? और ये कैंडल की क्लोजिंग आप देख लीजिए, ये वाली जो कैंडल है यहां पे आएगी क्लोजिंग 35,654। इस कैंडल की क्लोजिंग के भी ऊपर क्लोज किया है 35,751, ठीक है? तो वीकली बेसिस पे जहां पे इसका रेजिस्टेंस था, ये लेवल था 35,600 है। आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 500 से 600, या जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, वीकली बेसिस पे इज द सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग, ठीक है? बहुत पॉजिटिव चीज है। एक अब एक जोन मैं आपको बताता हूं जिसके ऊपर इसने क्लोज किया है, ठीक है? और यहां से नहीं, मैं आपको यहीं से खींच के बताता हूं। ये जो मैंने लाइन खींची है ना, आप देखेंगे जब तक इसके ऊपर 2 वीक रहा तो इसका सपोर्ट लेता रहा 35,600 से 450, ये 150 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, 35,450 से लेके 35,600 जब तक इसके ऊपर रहा यहां 2 वीक में, तो इसका सपोर्ट लेता रहा। इसको तोड़ के नीचे गया तो इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। ये वाला वीक है मार्च का आपका, ये 1st ऑफ मार्च वाला वीक है, ये भी देन आपका 2nd वीक है मार्च वाला, पर जब नहीं इसके ऊपर जा पाया फिर इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। फिर तो इसकी ये जो जीवन रेखा थी इसी ने आके इसको बचाया। जब ये इसके पास दर्शन हुआ, बोला रुक जा बेटा, अभी
यहां पे थम जा, ठीक है, इसने इसको बचाया, ये फिर इसको ऊपर लेके गई। यहां पे अब जब भी इसे मिलने आता है तो जंप मारता है, ये वीक मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां पे मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां पे मैं आपको दिखा चुका हूं, और पिछले वीक भी आप देख चुके हैं। जब जब इस लाइन पे आता है यहां पे अच्छा खासा जंप मारता है, और ये जो मैंने आपको अभी ये जो जोन खींच के दिखाया है, ये जोन के ऊपर क्लोजिंग देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये इतना मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर रहा दोस्तों, बट चार्ट पढ़ना हर किसी के बस का बात नहीं है। YouTube में जितने लोग हैं ना, 90% लोग आपको वो बताते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, फिर 12 बजे के बाद इसको रिजेक्शन मिला, ये गिर गया। अरे तो आपने पूरे दिन ट्रेडिंग करी है क्या? आपने नहीं देखा 12 बजे के बाद गिरा है, फिर ये आज बढ़ने वाले थे, ये घटने वाले थे। 10% लोग ही है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताते हैं कि टेक्निकली आज का मूव कैसा था, एंड मार्केट ओनली एंड ओनली यू कैन प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, नथिंग एल्स, ठीक है। और आज का मार्केट टेक्निकल पे ही चल रहा है, और एक बात बता दूं मैं आपको, आप चाहे जो मर्जी बोलो, फंडामेंटल पे भी नहीं चल रहा है, मार्केट इज जस्ट रनिंग ऑन टेक्निकल, मैक्सिमम स्टॉक्स आर रनिंग ऑन देयर टेक्निकल, फंडामेंटल्स पे कोई स्टॉक नहीं खड़ा है आज की डेट में, ठीक है। तो आ जाइए ज्यादा क्या बोल, तो ये जो जोन मैंने मार्क किया है, इस जोन का सिग्निफिकेंस आप देखिए, जब ये एक निर्मला जी वाले वीक की कैंडल बनी थी, जब उन्होंने बजट पेश किया था, ये खड़ा कर दिया था इसने इसको यहां पे, पर आप देखोगे क्लोज नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्लोज नहीं कर पा रहा था, और वीकली बेसिस पे भी नीचे क्लोज आके कर रहा था यहां पे ग्रीन कैंडल के साथ, बाद में कर लेंगे, ग्रीन कैंडल के साथ इसकी ये सेकेंड हाइएस्ट क्लोजिंग है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को गिनो तो इसकी क्लोजिंग भी आपको दिखेगी 35841 इस कैंडल की क्लोजिंग, बट वो रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग है, ठीक है। तो यू कैन से कि थर्ड हाइएस्ट क्लोजिंग कह सकते हो आप, बट ग्रीन कैंडल के साथ सेकेंड हाइएस्ट क्लोजिंग है, एंड इस जोन के ऊपर क्लोज किया है, जो जोन ऊपर से सपोर्ट दे रहा है और नीचे से रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक अच्छी चीज हुई है जो इसके ऊपर क्लोज किया। अब आ जाइए किस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, तो जहां मैं अभी आपको बताने वाला हूं उस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। ये लेवल निकल के आता है आपका, थर्टी फाइव थाउजेंड एट एट्टी के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी, देखते हैं अभी वहां पे कितना टाइम तक इसने होल्ड किया है। 35,900 तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको अगले वीक में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और मार्केट ने आपको 35,900 भी बताया, दिखाया। वो जो लाइन पिछला एनसिस खोल के देखी ऐसे मैंने खींची थी कि भाई अगले वीक पे यहां जाता हुआ दिख रहा है। तो अब ये जो लाइन आई है 35,880 इसके ऊपर कितनी देर तक इसने होल्ड किया है हमको वो देखना पड़ेगा। तो एक घंटे का चार्ट लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ये जो जोन इधर मार्क किया इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आई है, तो वीकली बेसिस पे तो ब्रेकआउट है, और ये जो मैंने लाइन खींची है 880 पे इसके ऊपर देखना पड़ेगा हमें, वन आवर नहीं डेली चार्ट पे हमें देखना पड़ेगा। अंदर जाके एक क्लोजिंग आई है दोस्तों, और ये क्लोजिंग ही एक्चुअली में लेवल होना चाहिए। ये क्लोजिंग कितनी थी 880 की जगह आप 900 ले लीजिए, ठीक है। ये जो क्लोजिंग आई है 900, ठीक है, क्योंकि डेली पे लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इनफैक्ट ये है, ये कितना आ रहा है यार, 36,000 भैया, 100 पॉइंट का जोन ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर वॉलिटिलिटी इतनी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, यहां अगर आप इसको पढ़ना सीख गए ना तो आपको सब पता लग जाएगा बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली क्या कर सकता है। ये डेली कैंडल है बैंक निफ्टी की, जब वो 35,800 से लेके इतना ही जोन आप देखिए 36,500, ये वाला जोन देखिए 35,600, और ये वाला यहां तक देखिए बस,
ठीक है, 36,500 इसके बीच में देखिए, इसके बीच में ये जो मैंने 35,900 से लेके, और एक मिनट यार इस लाइन से भी काम नहीं चलेगा, ये यहां पे जो है ये, ठीक है, ये जो 100 पॉइंट है बस 35,880, ठीक है, 35,880 और 36,000, ये जो 120 पॉइंट है इसके बीच में फंसा रहेगा तो बार बार आपको 35,600 के दर्शन कराता रहेगा। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, 35,880 के ऊपर क्लोजिंग दो बार दे दे, 36,500 आपका टारगेट होना चाहिए। ये यहां पे लाइन खींच लीजिए, डेफिनेटली आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। ये है आपका टारगेट अभी, कब, जब 36,000 ये 35,880 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, जो मैंने लेवल बताया वो 35,880 के जितना नीचे रहेगा बार बार आपको 35,600 के दर्शन कराता रहेगा, जिसमें होगा क्या, ये होगा आपको बार बार यहां पे आके इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, यहां पे आके इसको सपोर्ट मिलेगा। और जिस दिन इसके नीचे क्लोज कर दे 35,000, ये जो जोन मैंने मार्क किया 150 पॉइंट का, 35,450 से लेके 35,600, इनफैक्ट 35,600 के नीचे भी दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ गई ना, तो भी बैंक निफ्टी फिर एक बार तो आपको 35,200-35,300 मिलेगा। ये जो लाइन है फिर यहाँ पे आएगा, इस जोन के टूटते ही यहाँ पे आएगा, पर मुझे नहीं लगता कि 35,500 भी टूटेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी ये भी टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, ये पीछे का ही मैंने चार्ट पकड़ा है, 35,880 के ऊपर क्लोज करते ही आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा 36,500 तक का, और जितना देर ये 880 के नीचे क्लोज करेगा आपको मतलब हर एक दूसरे दिन ये यहाँ पे ही मिलेगा आता हूँ 35,600 इस लेवल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाय कीजिए, ऐसे लगाइए 35,500 के नीचे की क्लोजिंग, और या फिर 880 के ऊपर क्लोज करती वहां पे बाय कीजिए, फिर आपको 36,500 का टारगेट है। ये है फिलहाल बैंक निफ्टी की कहानी। वीकली बेसिस क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पे ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे प्रॉपर ब्रेकआउट है, इस जोन के ऊपर क्लोज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बट लेवल दिमाग में रखिए, लेवल फॉलो करने बहुत जरूरी है। अगर ये इसको रिटेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, 35,600 पे डेफिनेटली एक बार बाइंग बनती है, टारगेट आपका 36,500 ही है, पर 36,500 कैसे है, बीच का जो स्पीड ब्रेकर है 35,880 उसके ऊपर दो बार क्लोज आना चाहिए, ठीक है, 35,880 से लेकर 36,000, ये 120 के पॉइंट इसके लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इस पे चढ़ेगा, यहां पे चढ़ने की कोशिश करी बट नीचे उतर गया अगले दिन, तो इसके ऊपर चढ़ के क्लोज करना जरूरी है, वो जो 120 पॉइंट है 880 से लेके 36,000 आपको 36,500 देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा इंटरनल बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, बट देखिए यार ये जो है मैंने पिछले 2 महीने का 2 आवर का चार्ट लगाया, ठीक है, 2 आवर पे हर एक कैंडल 2 आवर की है, तो जब ये ऊपर जाना शुरू किया है ना बैंक निफ्टी ने, यहां से जो लो लगा के 34,000 का जो लो लगा के एक चैनल फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर फिर नीचे, फिर ये ऊपर फिर नीचे, तो अब जब किसने ऊपर जाना शुरू किया ना, तो ऊपर इसको टैग नहीं किया, वहां से पहले ये नीचे आना शुरू हो गया, जबकि इस चैनल की जो वो है ऊपर गया, यहां पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर सीधा नीचे आया, जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, ये ऊपर गया, पूरा नीचे नहीं आया, फिर दोबारा टैग किया, ठीक है, यहां पे नीचे आते ही फिर हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो
इसमें जो ये सीधा ऊपर गया है फर्स्ट टाइम है, ये नीचे की तरफ टॉप से 960 कितना इस, 980 के करीब लगा दिया था, यही मेरे ख्याल में होगा। यहाँ पे हाई कितना लगा है 977, और यहाँ पे हाई कितना लगा है 960, यहाँ पे हाई कितना 85। ये 85 से अभी जो इसने लो लगाया 68, लगभग 300 पॉइंट, तो लगभग 300 पॉइंट डाउन हुआ है टॉप से। तो यहां से अगर ये खींचता है इसको 600, 650, 660 का सपोर्ट लेके, तो इस बार ये इसको टैग कर दे एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस चैनल में इसने दिखाई है। ठीक है, हल्का सा पुल बैक लेता है बीच में आके, यहां पे आया नीचे की तरफ आ रहा है तो पुल बैक लिया एक, फिर तेजी से हटा। ठीक है, यहां पे गया है, अगर ये 300 पॉइंट का पुल बैक लिया तो अगली बार ये 36,100-36,200 आपको दिखा सकता है, दिखा सकता है, बहुत चांसेस है। और RSI भी ठीक ही है 57 की, ज्यादा कोई खराब नहीं है, जो कि स्ट्रेंथ अभी भी है। ये जो डाउन मूव आया 300 पॉइंट का, तो ये 60 से 57 ही आई है, और 2 आवर पे 57 की RSI अच्छी खासी है। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 आवर के बेसिस पे, अब मैं आपको थोड़ा अंदर का भी दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये वाला जो मूव है, ये मैंने आपको चार्ट लगाया है 1 मंथ का 1 आवर का, ये वाला जो मूव है, ये वाला मूव, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और इसमें अब इस जो छोटा सा चैनल ये फॉलो कर रहा था ऊपर जाने का नीचे जाने का, आप देखेंगे इसकी ब्रेथ बनती है 958 और नीचे 670, 958 670, तो लगभग आप लगा लीजिए 300 पॉइंट की इसकी ब्रेथ बनती है, 300 पॉइंट की ब्रेथ बनती है। तो जब इसने इसको ब्रेक किया है यहां से 880 कुछ है, तो 580 तक ये दिखा सकता है, आपको तैयार रहेगा। ठीक है, तैयार रहिएगा, 580 तक दिखा सकता है, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इंट्राडे में वहां पे जरूर बाय करिए। ठीक है, SL लगाइए बहुत छोटा सा, 35,450 स्क्रीन पे भी आ जाए निकल जाए। ठीक है, थोड़ा 100-125 पॉइंट नीचे है, 580 के लगभग एज पर दिस चैनल ये जो यहां बना हुआ है दिखा सकता है, और 580-570 या वहां पे सिर्फ 60-70 पॉइंट का SL लगाइए, जो थोड़ा सा भी है 35,500 का, वहां पे फिर देन बाइंग।